वो शक्ति थे गुरुदेव, जिन्होंने, कहते हैं एक एटम बम विस्फोट होता है तो उसका सालों साल जो है उसका असर रहता है, कई पीढ़ी तक रहता है। महान चेतनाएं जैसे परम पूज्य गुरुदेव का, ऋषि सत्ताएं जैसे संकल्प करती हैं, क्योंकि चेतना का जो सबसे सूक्ष्मतम स्तर होता है, जैसे उसका एटम होता है, चेतना का सूक्ष्मतम स्तर जो होता है वो संकल्प होता है। संकल्प अगर किसी का विस्फोट हो गया तो वो जन्म जन्मांतर नहीं, वो कई पीढ़ियों तक ही नहीं बल्कि कई युगों तक चलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया, जिसके लिए उनको बिना जौ की रोटी छाछ खा करके, बिना रोटी नमक करके जो संकल्प कराया गया, और जो उन्होंने संकल्प लिया है युग निर्माण का, उसको कोई रोक नहीं सकता। झंझावात आते हैं और जाते हैं। आप समझ लीजिए कि अयोध्या में भी झंझावात आया था, और वो झंझावात ऐसा था कि उनके बेटे को वनवास हो गया, रामचंद्र जी को उनके पिता की मृत्यु हो गई, और जिसके लिए वनवास हुआ था वो जो है कुटिया में रहने लगा। तो क्या मतलब था इसका? अवतारी सत्ता उस समय आई थी, और उस अवतारी सत्ता ने कुछ अपना लीला रची थी। किस लिए? राक्षसों के अंत करने के लिए और सतयुग की वापसी के लिए। और राम राज्य की स्थापना, राक्षसों का अंत हुआ, झंझावात आए और चले गए, और राम राज्य की स्थापना हुई। ये परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि और अवतार कई बार आए हैं, वही अवतार बदल बदल के कहते हैं। राम कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण बुद्ध के रूप में आए, इस तरह से वो राम कृष्ण बनकर बार बार आते रहे। उन्होंने लिखा है कि अब की जो अवतारी सत्ता है वो निराकार है। कभी 12 कला के थे, कभी 16 कला के थे, कभी कुछ कला के थे, लेकिन अब की जो है वो 24 कला का निराकार अवतार है। और क्या है वो? प्रज्ञा अवतार है। हमको कोई व्यक्ति नहीं समझे, हम एक मिशन के रूप में आए हैं, हम एक मिशन के रूप में आए हैं और एक संकल्प के रूप में आए हैं, और हमको उस महान चेतना ने यहाँ भेजा है, और वो संकल्प कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो ईश्वरी सत्ता का संकल्प है और वो पूर्ण होकर के रहेगा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प कि आने वाला युग जो है वो प्रज्ञा युग होगा और वो महासतयुग होगा। मतलब सतयुग में सतयुगी आदमी थे, लेकिन ये महासतयुग क्यों होगा? क्योंकि इसमें भौतिकता भी उतनी होगी, और भौतिकता को उसको निर्वाह करने वाले, भौतिकता को एंटरटेन करने वाले लोग कैसे होंगे? वो राजा जनक की तरह होंगे, वो त्याग की वृत्ति से काम करेंगे। तो ये मत सोचिए कि कहीं भौतिकता समाप्त हो जाएगी या अध्यात्म आना ही मुश्किल है। ये उन महासत्ताओं का संकल्प है और परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जितने भी झंझावात आएंगे और आए भी हैं, वो एक के बाद एक ख़त्म होते चले जाएंगे। पुनः जितने भी राक्षसी शक्तियां हैं, रोज यज्ञ में हम लोग कहते हैं पिशाचा सर्वतो दिशम, उससे रक्षा कौन करेगा? हमारी वो सूक्ष्म शरीरधारी ऋषि सत्ताएं करेंगी, जिन्होंने इस अभियान को चलाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को पृथ्वी पर भेजा, और पृथ्वी पर भेज करके उनसे इतना बड़ा संकल्प, इतना बड़ा तप कराया। हमारे और आपके घर में पूड़ियाँ बनती होंगी, कचौड़ियाँ बनती होंगी, हलवे खाए जाते होंगे त्योहारों के दिन में, लेकिन उनके घर में तो जौ की रोटी और छाछ पी जाती थी। सोचिए इतना तप करने वाला 24 वर्षों तक। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तप किया तब उन्होंने प्रद्युम्न को पैदा किया। शंकर जी ने कई वर्षों तक तप किया तो तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय पैदा किया, और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के तप से 24 लाख के अनुसरण से उनके
भोजन की तप के बाद संध्या जीजी पैदा हुई, तो आप सोचिए कि ये कितनी शक्तिशाली होंगी और कितनी श्रद्धा इनके अंदर होगी, कितनी शक्ति लेके आई हैं ये। वो अभी मानवीय लीला के रूप में हमारे और आपके बीच में है, उसको हम और आप समझ नहीं सकते। अगर समझ सकते थे तो गुरुदेव समझ सकते थे, वंदनीय माता जी समझ सकती थी, जिन्होंने इस मिशन को चलाने के लिए उन्होंने उनको इसका भार सौंप करके गए हैं। तो अगर हमको गुरुदेव में विश्वास है, वंदनीय माता जी में विश्वास है, तो जिसको वो कहीं बिठाल गए हैं तो हमको उनकी बात पे विश्वास करके श्रद्धा जी के अंतर्गत जितने भी कार्य चले उसमें सहयोग देते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा जी की केवल एक हम छोटी सी बात बताएंगे। हमारी बहू के जो छोटी बहू है उसका नाम जूही है, हम अमेरिका में थे हमारे बड़े बच्चे के पास और उसको सेकेंड प्रेगनेंसी हुई। अब उसने हमको वहाँ पे फ़ोन किया कि मम्मी अगर इस बार बेटा हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हम लोग के ख़ानदान में कोई बेटा नहीं है। तो हमने कहा बेटी अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी, अब तो आ गया तुमको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम जीजी से फ़ोन करके बात कर लो और जीजी जो कहेंगी समझ लो वो ठीक है। उसने जीजी से, क्योंकि वो यहाँ रहती थी पहले ब्रह्मवर्चस में रहती थी तो जीजी से उसका काफ़ी बातचीत हो जाती थी, तो उसने जीजी को फ़ोन किया तो जीजी ने कहा तू जो चाहेगी हो जाएगा। तो सोचिए कौन कह सकता है, अभी एक महीने का बच्चा पेट में है, जो तू चाहेगी हो जाएगा, तो ये कौन कह सकता है। जिसके अंदर वो शक्ति हो कि जिसकी आत्मा को चाहे वो बुला ले और पेट में डाल दे, तो ये बड़ी शक्ति है। एक और हम आपको बात बताते हैं जीजी की। एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उनके बच्चे नहीं थे, तो वंदनीय माता जी के समय से आते थे और माता जी से करते थे, परम पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल पे जाके प्रार्थना भी करते थे, लेकिन उनके बच्चे नहीं हुए। एक बार वो ऐसे ही कि भाई अब माता जी तो चली गई अब क्या होगा, ऐसे ही अपने किसी काम से यहाँ आए थे देहरादून, तो वो शांति कुंज में रुक गए, हम लोग को जानते थे। तो उनकी वाइफ और वो दोनों जीजी के पास गए होंगे तो आके हम लोग उसे कहने लगे कि देखिए माता जी तो हमें बच्चे दे नहीं पाई, और जीजी कहती हैं अगली बार आना तो अपने बच्चे लेके आना, मेरे तो बच्चे ही नहीं, मैं कहाँ से लेके आऊँगी। हमने कहा ऐसी बात मत सोचिए, आप जीजी को छोटी बात मत समझिए, उन्होंने कह दिया है तो आपके बच्चे होंगे। तो वो गई और अपने उसके दो बच्चे हुए, दोनों बेटे हुए, ट्विन डिलीवरी हुई उसकी, और उन बच्चों को लेके वो दोबारा जब आई, वो बच्चे करीब 2-2.5 साल के थे, मिलने आई और कहने लगे कि देखिए जीजी के आशीर्वाद से मेरे दो बच्चे हो गए। तो जीजी को आप इतना छोटा मत समझिए लोगों, सब जीजी माता जी की और गुरुदेव की शक्ति लेके पैदा हुई हैं और वो मिशन को वैसे ही चलाएंगी जैसे वंदनीय माता जी ने चलाया है। गुरुदेव ने कहा है आगे आने वाला युग जो है नारी युग है, और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि शांति कुंज में यहाँ से नारियों की शिक्षा चलेगी, नारी जागरण का काम चलेगा। क्यों? जब तक नारियाँ नहीं जागृत होंगी तब तक संस्कारित बच्चे नहीं होंगे, और जब तक संस्कारित बच्चे नहीं होंगे तब तक युग निर्माण कैसे होगा। इसलिए आने वाले समय में श्रद्धा जीजी का बहुत बड़ा रोल है और हम लोग उसी काम को करते चलें, निरंतर आगे बढ़ते चलें। ये थोड़ी सी बातें हमने अपनी बताई हैं, आशा है कि आप लोग अब इस मिशन को, परम पूज्य गुरुदेव का मिशन और ये भगवान का मिशन है, उसका प्रमाण क्या है कि ये भगवान का है, व्यक्ति का चलाया मिशन नहीं है। क्योंकि व्यक्ति का चलाया हुआ मिशन क्या होता है, वो चलाई हुई संस्थाएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन भगवान का बनाया हुआ मिशन, भगवान की चलाई हुई योजना क्या होती है, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। जो आज इतने करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, गायत्री परिवार के सब सदस्य हैं, वो करोड़ों की संख्या में हो गए हैं, और परम पूज्य गुरुदेव के समय में लाख की संख्या में थे। इसका मतलब ये मिशन किसी दैवी सत्ता के हाथ का
की कठपुतली मात्र है, हम लोग कठपुतली मात्र हैं, वो उसको ईश्वरी सत्ता चला रही है, और जो ऋषि सत्ताएं हिमालय में बैठी हुई हैं वो परम पूज्य गुरुदेव के के अध्यक्षता में ये मिशन हमारा चल रहा है। इसलिए इस मिशन को कोई ना कोई आँच आ सकती है, कोई आंधी इसको उड़ा नहीं सकती है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा और प्रज्ञा युग आएगा और उसको आने वाले लोग देखेंगे, भारत फिर जगत गुरु बनेगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगा और फिर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और आप लोग देख भी रहे हैं, गुरुदेव ने कहा है इसको ये मत सोचो तुम कर लोगे, हमारे करने वाले हजारों व्यक्ति पैदा हो जाएंगे। और आप देखिए, एक कोरोना ने सबको अध्यात्म की तरफ झुका दिया है, सबको प्रणाम करना सिखा दिया है, सबको वेजिटेरियन डाइट पे कर दिया है, क्योंकि नॉन वेज से ये फैल रहा है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति अब पूरे विश्व में छा जाएगी आने वाले समय में, जैसा कि गुरुदेव ने कहा है, एक धर्म होगा मानव धर्म, एक जाति होगी मानव धर्म, एक भाषा होगी जिसको सब लोग बोलेंगे, एकता ममता समता और शुचिता का समय आ जाएगा, ये आने वाले समय में आने वाला है। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।